पी कॉफी सॉल्यूशन के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक हमारा फॉन्ट्स का थोड़ा सा दो क्वेश्चन रह गए थे, एक स्पेशल और एक कस्टम, और फिर आगे दो चीज़ें और मज़ीद ऐड करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे हम। तो सबसे पहले हम जो रह गया था हमारा वो देखते हैं। हमने एम्प्लॉय शीट बनाई हुई थी, इसमें ही हम काम कर रहे हैं। इसमें हमारे दो चीजें रह गई थी, एक स्पेशल रह गया था और एक कस्टम रह गया था। स्पेशल का मतलब ये होता है कि आपने उसके डिफाइंड कोई स्पेशल फॉर्मेट दिए हुए हैं कि आपने वो स्पेशल वो बना सकते हो। मिसाल के तौर पर ये मैं स्पेशल पे क्लिक किया, वो कह रहा है जिप कोड डाल सकते हो, फोन नंबर डाल सकते हो और सिक्योरिटी। जिप कोड नॉर्मली पाकिस्तान में लोग ज्यादा यूज करते नहीं है, तो हम फोन नंबर पे ट्राई कर लेते हैं, आप दूसरे ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा और हम ताकि इसको देख सके ये कैसे काम करता है। हमने मिसाल के तौर पर फोन नंबर पे क्लिक किया। अब हम मिसाल के तौर पर यही फोन नंबर 0300 मैं सीधा टाइप करता हूँ, 111 111 111। अब ये देखो, ये एक मैंने डिजिट कम लिखा है शायद, ये स्पेशल उसने फोन के फॉर्मेट में उसको बना दिया, यानी कि वो उसने 0300 को जो ब्रैकेट में लेके दूसरा एक वाजे एक फॉर्मेट बना दिया हमें फोन नंबर का। आप अपनी मर्जी से भी ये फोन का फॉर्मेट बना सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो। तो ये फॉर्मेट हमने कुछ भी नहीं करना है, इसका फॉर्मेट हमने जस्ट एक टाइप, जिस तरह डीजे टाइप करते हैं, हमने सिर्फ फॉर्मेट में जाके हमने फॉन्ट में जाके हमने जिसको सिलेक्ट कर लेंगे, जिधर सेलेक्ट कर ले, मिसाल के तौर पर इधर ही मैं लिखता हूँ 0300 111। तो ये भी है कि इस तरह फॉर्मेट बना दिया, लेकिन इसी फॉर्मेट को इसको मैं पहले करूं या बाद में करूं एक ही बात है। मैंने लिखा, अब मैं आ गया इसके अंदर कस्ट स्पेशल के अंदर, मैंने इसको फोन नंबर का ऑप्शन दिया तो इसने फोन नंबर का सेटअप कर दिया। अब ये फॉर्मेट स्पेशल फॉर्मेट है जो फॉर्मेट दिए हुए हैं। अब जिप कोड अगर करना चाहें जिप कोड कर ले, जिप कोड का मतलब ये होता है कि जो भी जिप कोड होगा ऐसे नंबरक में होता है, जिस तरह हमारा इधर 7400 4400 इस तरह ये जिप कोड होता है, या पोस्टल कोड हम पाकिस्तान में कहते हैं वो जिप कोड कहते हैं, जहाँ पर कोरियर वगैरह पहुंच जाता है इसको हम पोस्टल कोड बोलते हैं। तो ये हमारा एक नंबर का था फॉर्मेट, और उसके बाद एक कस्टम फॉर्मेट है। कस्टम फॉर्मेट में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब जनरल है, उसके बाद इस तरह आप नंबर डाल सकते हो, इस तरह को कर अपनी मर्जी से कोमा डाल सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो, अपनी डेट अपनी मर्जी से हिसाब से डाल सकते हो, कैसे ये ले उसका टाइम डेट ले साथ क्या क्या चीज़ें ले। मिसाल के तौर पर मैं इसी शीट में आ जाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो CNIC है इसका मैं अपनी मर्जी से बनाऊँ। अब मैंने CNIC का बनाया अपनी मर्जी से। CNIC का बनाने के लिए मुझे पहले इसके कितने चाहिए, 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या किया, 0 0 0 0 0 5 हो गए, 5 के बाद मैंने लगा दिया डैश, उसके बाद कितने हो गए जी 2 2 6, मेरे सब 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर मैंने एक और आखिर पे 0 लगा दिया। अब देखिए ये मैंने फॉर्मेट इसका ये बना दिया इस सेल का स्पेशली। अब मैं मुझे ये डॉट डालने की कोई जरूरत नहीं, मैं टाइप करता जाऊंगा तो वो खुद ही बना देगा। शनाख्ती कार्ड का मसलन मैंने 13 डिजिट का बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये खुद ही उसने शनाख्ती जो हमारा CNIC नंबर होता है उस हिसाब से उसने फॉर्मेट बना दिया। तो ये इसको हम बाद में वैलिडेट भी कर सकते हैं, जब हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे तो हम इसको ये भी जाकर, मिसाल के तौर पर हमने 13 डिजिट है हमारे, तो 13 से 14 डिजिट ना हो, 13 डिजिट के अंदर ये उसको कंट्रोल करके 10 भी देंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, 10 11 भी देंगे तो रिजेक्ट कर देगा। ये आगे एक्सेल में सारे फीचर मौजूद है। तो ये हमने दो चीज़ें थी, कस्टम हमारा मोस्टली ऐसी चीज़ें आ जाती है, जिस तरह डाटा बेस में हमने एक कस्टम फॉर्मेट डालना होता है तो उसके लिए ये हमारा बहुत अच्छा फॉर्मेट है कि हम कहते हैं यही फॉर्मेट हो ताकि हमें एक अलाइनमेंट नजर आती रहे कि शनाख्ती कार्ड है तो पूरे शनाख्ती कार्ड की एक अलाइनमेंट नजर आती रहे, बजाय हम कि बार बार हम डैश टाइप करें फिर ये करें फिर वो करें। हम अपना नंबर जस्ट नुमारक से टाइप करते हैं, वो फॉर्मेट खुद बनाता जाए, फॉर्मेट बना दे और प्लस वो भी
नंबर दो जो फिल्टर वेल्टर लगाना या चेक करना वो बंदा चेक कर सकता है। तो ये हमने दो चीजें सीखी, आज हम तीसरी चीज सीखते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, मिसाल के तौर पर कंपनी का नाम है या कोई और चीज है या कोई और चीज है जो हम गलत बार बार टाइप कर देते हैं, ठीक है, तो उसके हम ऑटो करेक्ट बनाना भी सीखेंगे कि हम ऑटो करेक्ट कैसे बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ऑटो करेक्ट बनाना है तो मुझे किस पे आना है, फाइल पे आना है, और मिसाल के तौर मुझे कंपनी का नाम भी लाना है कि मैं कंपनी का मेरे नाम का पीक ऑफिस सॉल्यूशंस। अब मैं इतना लंबा लिखूं हर बार टाइप करूं तो इसके लिए मैं क्या करूं, एक शॉर्टकट बना लूं कि मैं वो लिखूं ऑटो करेक्ट में, वो लिखूं और बार बार वो टाइप कर दे, मुझे बार बार उस पर जाना ना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन के अंदर आ जाऊंगा, ऑप्शन के अंदर ये प्रूफिंग है और भी काफी चीजें हैं, चेंजिंग है वो कर सकते हैं आप। ऑटो करेक्ट के लफ्ज पे आया ऑटो करेक्ट, अब ये इसने ऑटो करेक्ट लिख दो, आप ये भी देख सकते हैं क्या लिखेंगे तो क्या कर देगा, क्या लिखेंगे तो क्या कर देगा। तो ये चीजें मिसाल के तौर पर एक स्पेलिंग बार बार आपकी गलती हो रही है तो आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहता हूँ मैं पी ओ एस लिखा, अब मैंने इसके सामने लिखा पीक ऑफिस वैल्यू, ये मैंने ऐड का बटन दबाया, और भी आप मर्जी से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आपने, ओके किया। अब यहां पे मैंने लिखा पीओएस, जैसे मैंने पीओएस लिख एंटर मारा तो वो उसने नीचे ये याद, ठीक है, याद रखिएगा कैब में लिखा तो कैब में करना है, समाल में लिखा है तो समाल में, मुझे बार बार इसको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मुझे कंपनी का नाम लिखना और बार बार मैं ये कहीं भी लिखना है तो इस शीट के अंदर जो भी इसकी शीटें है या कोई भी है तो आपको ऑटो करेक्ट के अंदर आपने नाम ले दे दिया उसके बाद, या फिर आप कहते हैं इस्लाम का नाम मुझे स्पेलिंग गलत हो जाते हैं या सुपरवाइजर के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, आप उसका कोई भी शार्ट नाम दे लें, वो आप लिखेंगे इंटर मारेंगे तो नीचे वो उसका नेम टाइप कर देगा। तो नाम कोई चीज लिखने के लिए, स्पेलिंग करेक्शन के लिए ये ऑटो करेक्ट का लफ्ज यूज होता है, बार बार यूज होता है। उसके बाद हम एक काम करेंगे, आप फिल सीरीज, फिल सीरीज मिसाल के तौर पर ये इसके लिए जरूरी होता है, मैंने कहा कि ये मुझे पता चलता रहे कि ये लाजमी नहीं है कि मेरे कोड जो है वो ये पी सिक्स जो है ये हमेशा रहे बंदा, ये जा भी सकता है, ये हो सकता है यहाँ से नेगेटिव लिस्ट से निकाल के मैं इसको फॉरगॉन लिस्ट में डाल दूँ, यहाँ साफ ज्यादा पी ई फाइव के बाद पी ई सेवन हो जाएगा, जब पी सेवन हो जाएगा तो इसका मतलब है इसकी तादाद का पता करना हो तो कितनी तादाद है तो मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर डालना पड़ेगा। अच्छा, फिल सीरीज में कुछ चीजें एक्सेल को पता होती हैं, जिस तरह मंथ के नेम है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी मैं नीचे आ जाता हूँ उसको समझाने के लिए, मैंने कहा जी मुझे जनवरी की फिल लिस्ट डालनी। फिल लिस्ट डालने का एक तो तरीका यह है कि आप इसके क्लिक करें तो ये खुद ही आगे बनाता जाएगा। अब देखिए नीचे वो शो भी कर रहा होता है, छोटा सा शो कर रहा होता है कि कहाँ पहुंचा, दिसंबर तक आ गया, ठीक है, ये उसको पता है कि महीनों के नाम ये हैं, ठीक है। इस तरह आप देखिए, मैं इसको कहता हूँ कि इसकी फील लिस्ट बना, सेव की फील लिस्ट बना, उसको नहीं पता सेव के बाद क्या होता है, वो सेव को रिपीट कर देगा, वो सेव को ही रिपीट कर देगा। तो जिस चीज का उसको पता है वो उस, जिस तरह आप कहते हैं जी मंडे, मंडे के बाद एक्सेल को पता क्या आता है, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे फिर सैटरडे, ठीक है, उसको ये पता चीजें, और जिस चीज का उसको पता नहीं है वो नहीं करेगा, ठीक है। आप कहते हो जी ये उसको पता है, उसके बाद कहते हो जी आप क्वार्टर है, के यू ए आर टी आर क्वार्टर वन, उसको पता है साल के चार क्वार्टर होते हैं, तो अगर मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं तो ये कर देगा, ठीक है। ये देखे अगर क्वार्टर भी उसको पता है चार होते हैं, ये डिफाइंड जो चीजें हैं ये उसको पता है, ये जो होती है, इसके अलावा अगर कोई चीज डाल रहे हैं तो उसको नहीं पता। अब मिसाल के तौर पर मैंने लिखा जी वन, अब वन के बाद उसे क्या पता उसको क्या करना, वो क्या करेगा उसको रिपीट कर देगा, उसका ट्रेंड बनाना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है कि आपने देखो वन लिखा, वन के बाद अगर या तो आप इधर आ जाए, ये इसी के अंदर ये ऑटो सम के नीचे है फिल, फिल का बटन के भी अगर आ जाए सीरीज लिखे
तो आप उसे कहते हैं वन, वो रॉ में लिखना है डाउन में लिखना है, अगर रॉ में लिखना है तो ये रॉ पे क्लिक करेगा डाउन। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जी 5 तक ये फिल कर दो, ठीक है, अब वो यहाँ तक फिल कर देगा। लीनियर में वो 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया उसने। अब मैं इसी पे आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे सीरीज में अब कॉलम में पूरा कॉलम में लिख दो, कॉलम में 10 तक लिख दो, अब 10 तक लिख देगा। एक तो ये तरीका कार है कि आप इस तरह उसके वो स्टाफ में जाए उसको सिलेक्ट करो। उससे बहुत आसान ये है कि आप सीधा सीधा काम करें, आप जैसे मैंने ये सीरीज बनानी है तो आपने 1 2 उसको ट्रेंड बता दिया, 1 के बाद 2 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। अब देखिए वो आप डाउन क्लिक करेंगे तो वो सारी सीरीज बना देगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, वापस हट गया। अब देखिए आपने ये किया और यहाँ पे देखे वो बता भी रहा था कि क्या डालना है, आपने टेबल डालना है, टोटल इसका कुछ और डालना है, क्या करना है, ग्रेटर देन लेस देन, ये बात की बात। आपने इसको क्या ये यहाँ पे प्लस का बटन बार रहा था, नीचे जो जो बॉक्स छूट गया एक डाट होता है ना इस पे आ जाएंगे, तो ये जब प्लस का बटन बन जाएगा तो उसका आप खींच के नीचे ले आएंगे, जब नीचे ले आएंगे तो ये उसके नंबर बता देगा। इसका मतलब 20 इम्प्लाइज मेरे पास सिस्टम है। इसको मैं फॉर्मेटिंग में पुराने तरीके से जैसे फॉर्मेट सेंटर में करना चाह रहा हूँ, ये इम्प्लाई कोड का फॉर्मेट मैंने यहाँ ला के आना है, ये मैं यहाँ पे इसको सीरियल है सीरियल नंबर या इम्प्लाई क्वांटिटी जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते। तो आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने ये देखा कि स्पेशल और कस्टम फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, ऑटो करेक्ट कैसे करते हैं। ऑटो करेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको एक ही चीज़ आप गलत टाइप कर रहे हैं तो उसको आपको बार बार जाके करना नहीं पड़ेगा, वन टाइम कर लेंगे, आपके जो गलत स्पेलिंग भी याद है तो वो उसको सीधा कर देगा। आप कोई रोमन भी लिख सकते हो, रोमन में आप लिख दिया जी मुझे चेक, आपने कहा CHA CK चेक, अच्छा कि वो सिस्टम में CHE CK होना चाहिए चेक, तो वो आप आगे ऑटो करेक्ट में वो लिखे तो आप जो भी टाइप करेंगे वो ऑटो करेक्ट करता जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। रोमन में लिखे, सादा लिखे, जैसे भी आप लिखे ऑटो करेक्ट में जो डालेंगे वो एक्चुअल डाटा बनाता जाएगा, लेकिन वन टाइम की मेहनत जरूर है शीट के अंदर, हर शीट का ये मेहनत है। आपने एक टेम्पलेट बनाया उसी टेम्पलेट के ये सेव एज करके उसी को बार बार डाटा उठा के उसको बनाए, या फिर आपको बार बार ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑटो करेक्ट। तो ये जो आज हमने सीखा है समझा है इसको हम देखते हैं, इसके साथ हम एक छोटा सा फार्मूला देखते हैं प्लस का। अब प्लस का फार्मूला देखने के लिए क्या हम करेंगे कि मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसके मैथ में इसमें 50 नंबर आए, इसमें 60 है, इसमें 90 उसके आए, ठीक है। अब इसको हमने सम करना, हमने क्या करना है सम करना है, सम करने के जब भी फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे मैंने करना टोटल है इसका। टोटल करने के लिए मैं याद हो ये तरीके का रहा है कि आपने प्लस का बटन दबाया, आपने अच्छा इसका बड़ा कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ मैं यहाँ तो टाइप करूं, आप मैथ का जो है वो क्या क्या है जी E37 या तो ये मैं टाइप करूं या मैं सीधा क्लिक करूं, क्लिक कर दूं फिर प्लस का बटन दबाऊं, फिर क्लिक कर दूं फिर प्लस का बटन दबाऊं, फिर ये क्लिक कर दूं फिर एंटर का बटन दबाऊं, तो उसने वो सम कर दिया। दूसरा ये है कि आपने बटन इक्वल टू टाइप किया, उसके बाद एरो आपके चले गया या जिधर भी उसका सेल है आपने किया, हमने प्लस किया फिर आप एरो आप गए, आप निशान जब आप प्लस का बटन दबाएंगे तो समझे वो आपके जिस सेल में फार्मूला उधर ही आ गया, उससे ऊपर नीचे आपने जहां भी जाना है वो आप जाएंगे सेम वो भी हो गया। और इसी का ये सम है एक एक का, ये मसलन मुख्तलिफ जगह पे है, ये तो हमने सीधा सीधा सीखा कि वो आ रहा है
जो एक ही लाइन में आ रहा है, तो हमने उसको सम का फार्मूला लगा दिया। अब इसी को मैं दूसरा अगर मुझे लगाना चाहे, सम का फार्मूला भी ये काम करता है। सम का मतलब होता है सबको, अगर एक ही लाइन में है, कॉलम में है, तो आप उसको सम का फार्मूला का वो जितना भी टोटल होगा उसमें कर देता है। सम का फार्मूला मैंने पहले बताया था, इक्वल एस यू एम सम। जब भी आप टाइप करेंगे तो नीचे वो बताएगा कौन कौन से सम से फार्मूले हैं, ठीक है, सम सारे बता रहा होता है कि कौन कौन से हैं, सम एफ है कौन सा है। तो आपने सिर्फ सम, सिंपल सम चाहिए तो आपने क्या कहा, छोटी ब्रैकेट शिफ्ट के साथ नाइन के ऊपर मोस्टली होती है छोटी ब्रैकेट, आपने ऊपर वाला सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर आपने ये कोलन डाला और आपने नीचे वाला सिलेक्ट किया। अब क्या कर रहा है वो, E37 से वो करे E39 तक आप करें ये। और तीसरा क्या है, आपने सम लिखा, सीधा सीधा सम लिखा, छोटी ब्रैकेट डाई, एरो डाउन ऊपर गया, शिफ्ट का बटन दबा कर नीचे आ गए जैसे सिलेक्ट करते हैं, और ब्रैकेट बंद की और बस, कोई कोलन की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, सिस्टम खुद ही कोलन डालेगा। यानी कि आपने सम लिखा, छोटी ब्रैकेट डाली, आप एरो की से ऊपर गया, जहां आपने शुरू करना है वहां आपने शिफ्ट का बटन दबा लिया साथ, अब दोबारा एरो डाउन के साथ नीचे आ गया। अब उसने जब दूसरे पे आएंगे तो कोलन डाल के दूसरा सेल खुद ही ऐड कर देगा, आपको कोलन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, अल्लाह आपका आमीन है सर। वस्सलामु अलैकुम।